को भी हलाल। चौथा पॉइंट हमारा आज का है, कम अशिया को इस्तेमाल करें, दुनिया में कम से कम सामान इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर आप महंगे से महंगा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अननेसेसरी शरीयत उसको मना करती है कि ज्यादा अपने ऊपर खर्च करें, कम से कम खर्च करें, हल्के फुल्के जिए और हल्के फुल्के चले जाए दुनिया से, ये ज्यादा बेहतर है। आइए इस ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि परदेसी हो या रास्ता चलने वाला मुसाफिर। परदेसी मतलब दूसरे देश से आके समझ लीजिए, इंडिया से कोई गल्फ गया तो वहां कैसा रहता हो, परदेसी, बहुत मिनिमम चीजें, एक बेड होना उसको, एक चूल्हा बन गया बस काफी है, चंद इस्तेमाल की चीजें, चूंकि वापस इंडिया आना है ना, तो परदेसी जैसा रहता है या फिर जैसा मुसाफिर। मुसाफिर कैसा चलता है, यहाँ से निकले होटल गए, होटल में जो जरूरत की चीजें ली, खाया पिया, को बर्तन वगैरह खरीदते भी नहीं, होटल में गए वहीं खाए वहीं छोड़ दिए, आगे सफर पर चले गए। अच्छा मुसाफिर वो है जो हल्का फुल्का ट्रैवल करता है, लिस्ट उसके पास सामान होता है, समझ रहा। और बेवकूफ मुसाफिर वो होता है जो बहुत सामान लाद देता है, ये भी ले लो वो भी ले लो, पता चला वहां गए तो बोल रहे इतना वेट नहीं चलता, ट्रेन में गए तो टीटी बोल रहे ये तो दो से ज्यादा बैग ला ली, चलो इसका फाइन भरो, बस में चले तो बोल रहे ये तो तुम पूरा मालगाड़ी समझे गए। तो लिस्ट ट्रैवल करना हल्का पसंद भी है, अच्छा भी है, बोझ भी कम उठाना पड़ता है, ठीक। तो बहरहाल इस तरह रहो जैसे परदेसी हो या जैसे मुसाफिर हो। इसी तरह जो उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से एक वाकया था, बैखी ने इस रिवायत को नकल किया, उन्होंने एक बार अपने शौहर अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया और कहा कि आप माल और मनसब क्यों नहीं तलब करते, आप में फन है, हुनर है, बड़ी क्वालिटीज है आप में, आप चाहे तो कोई पोजीशन ले सकते खलीफा से, माल आप कमा सकते बहुत, फिर आप क्यों इतना सादी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। तो वो कहने लगे और उन्होंने फरमाया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है, तुम्हारे आगे बड़ी दुश्वार घाटी है, इसे गुजरा बार यानी ज्यादा बोझ वाले आसानी से नहीं गुजरेंगे और हल्के बोझ वाले इसमें से आसानी से गुजर जाएंगे, इसलिए मैं जो है मनसब और ज्यादा कमाने के पीछे नहीं पड़ता। ठीक है, क्या फरमाया, मनसब और ज्यादा इसलिए नहीं कमाता हूँ कि एक घाटी है इसके बाद, घाटी तो आखिरत, और मैं चाहता हूँ कि उस घाटी में हल्का फुल्का गुजरूं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो हल्के फुल्के गुजरेंगे उनके लिए घाटी अच्छी है। तो लिहाजा हल्के फुल्के रहना, ज्यादा चीजें वो ना होना, बल्कि कम अज कम चीजों को इस्तेमाल करना शरीयत ने पसंद किया है। इसी तरह जामे तिर्मिजी की रिवायत है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर सोए हुए थे, आपके पास बहुत कम सामान था घर में, खजूर की चटाई बड़ी रफ होती है याद रखिए, खजूर की चटाई पर सोए हुए थे, बेदार हुए तो जिस्म पर पूरे निशान पड़ गए, निशान पड़ गए। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे थे तो कहा और फरमाया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं, हम सहाबा कर देते हैं आपके लिए इंतजाम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया और कहा, मुझे दुनिया से क्या ताल्लुक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, मुझे दुनिया से क्या ताल्लुक और क्या लेना देना, मेरा ताल्लुक दुनिया के साथ ऐसा ही है जैसे किसी मुसाफिर का साथ जो है होता है, जो है जो सायेदार दरख्त में बैठता है उसके बाद उठकर चल देता है, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, ये बिस्तर वगैरह मुझे नहीं चाहिए। मेरी मिसाल तो एक मुसाफिर की है जो झाड़ के नीचे थोड़ी देर लेटता है, जब थकान दूर हो गई तो वहां से फिर निकल जाता है, जो है दरख्त के जो है नीचे ठहरा और फिर उसको अपनी जगह छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ चला, तो मुझे ये सब चीजें लेना देना नहीं, लिहाजा तुम मेरे लिए बिस्तर मत बनाओ, ये जामे तिर्मिज़ी की बात। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम पर फक्र, फक्र फकीरी, ठीक है, और नादेरी आने से नहीं डरता, तुम गरीब हो जाओगे मेरी उम्मत वालों मुझे उसका डर नहीं, लेकिन मुझे इस चीज का डर है कि दुनिया तुम पर खोल दी जाएंगी जैसे तुमसे पहले लोगों पर खोल दी गई, फिर तुम इसे बहुत ज्यादा चाहने लगोगे जैसे उन्होंने चाहा, और फिर तुमको अल्लाह बर्बाद कर देगा जैसे उनको बर्बाद कर दिया। तो मुझे तुम्हारी गरीबी से डर नहीं है, तुम्हारी मालदारी से डर है। तो ये गरीब फिर भी जी लेता है लेकिन ईमानदार के लिए खतरा बहुत ज्यादा, याद रखिए हदीस ये बता रही है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत। आइए इसी तरह एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा, मतलब उतनी चीजें रखो जितनी इस्तेमाल किए, हमारे पास तो एक्सेस में होती ना, 50-50 जोड़े लड़के में, 10-10 जोड़ियों में जूते लड़के, 50-50 घड़ियां लड़की, उसके बाद ही मुतमईन नहीं, अरे तूने ये पहन लिया अब मेरे को ये भी खरीदना पड़ेगी घड़ी, क्योंकि उसने ये पहन लिया, अरे इसने ये भी ले लिया अब मुझे ये भी लेना जरूरी हो गया, अरे उनके पास वो कपड़े आ गए ने मुझे लेना जरूरी है, एक शादी में चले गई हमारे घर की औरत, अरे वहां तो ये फैशन चल रहा, अब दिलाओ, अब गया बेचारा शौहर, अब दिला नहीं, अब गया बाप बेचारा, चूंकि बेटी देख के आ गई शादी, हमारा हाल ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, घर में एक बिस्तर तुम्हारे लिए, एक बिस्तर तेरी बीवी के लिए, और तीसरा बिस्तर मेहमान के लिए, और चौथा बिस्तर शैतान के लिए, एक्सेस नहीं होना, जितना होना उतना, एक तुम्हारे लिए हो गया, एक बीवी बच्चों के लिए हो गया, एक मेहमान के लिए हो गया ना तीन, अब इससे ज्यादा अगर एक्स्ट्रा है बेड्स लगा के रखे आपने तो वो शैतान के लिए, चूंकि इसराफ है,
एक्सेस है, समझ रहे हैं बात, एक्सेस मत करो। हाँ जरूरत है लो, जरूरत खत्म हो गई उसको छोड़ दो, ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, ऐ इब्ने आदम अपना जो है बचा हुआ माल खर्च कर, यही तेरे लिए बेहतर है, जो अपने इस्तेमाल से ज्यादा हो खर्च कर दे, ये तेरे लिए बेहतर है, इसे रोक के ना रख, वरना ये तेरे लिए मौजिबे शर होगा, ये तेरे लिए शर की वजह बन जाएगा, फितने की वजह बन जाएगा। और फिर फरमाया और कहा, मौजिबे शर होगा, बकदरे जरूरत माल रखने पर मलामत नहीं है, और इन्फाक का आगाज उनसे कर जो तेरे रिश्तेदार हैं नजदीक के लोग। तो जरूरत के उतना माल रखना चाहिए, लेकिन एक्सेस रखकर जमा करके रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये फितने का बायस बनेगा इब्ने आदम, लिहाजा खर्च करने की तू आदत डाल ले। ये हुआ चौथा पॉइंट। तो हमें जो इस्तेमाल से ज्यादा खर्च करना है और बहुत सादी जिंदगी रहना है, ये जमीन जमाने के अतबार से इसकी सादगी का मैार भी चेंज होगा, याद रखिए एक जैसा नहीं होगा, जमीन जमाने के हिसाब से सादगी का मैार भी चेंज होगा। अब आइए सादी और अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।